ओके चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे फ्री क्वांटिटी इन वाउचर, यानी कि अलाउ जीरो वैल्यू एंट्री। अगर हमें कोई भी आइटम सेल करना है बट उसका अमाउंट हमें बिल के अंदर ऐड नहीं करना है, या हम कह सकते हैं जैसे कुछ स्कीम चलती हैं बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, ठीक है, तो वो आपको देना है। जब फ्री देंगे तो आपने बिल में तो उसको दिखाना पड़ेगा ना, बट उसका अमाउंट नहीं जुड़ना चाहिए, अमाउंट ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो किस तरीके से हमें करना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फीचर को हमें ऑन करना होता है। अब वो कैसे ऑन करेंगे, उसके लिए आपने जाना है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, देन यहाँ आपको आना है फीचर, और इसमें आपको आना है कहाँ, इन्वेंट्री के अंदर, क्योंकि जो वो है वो एज अ इन्वेंट्री का पार्ट है। तो इन्वेंट्री पे जाएंगे, क्योंकि जो हम फ्री देंगे वो आइटम हम फ्री देंगे, गुड्स फ्री देंगे, सेट्स राइट। तो यहाँ इन्वेंट्री का ओपन होगा, इसमें आपको लेना है इनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर, ये आपने ऑन कर देना है, और इसको ऑन करते ही ऑटोमेटिकली ऑप्शन फॉर फ्री क्वांटिटी पूछेगा, क्या आपको इस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर आप उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो इसको ऑन कर देंगे, अदरवाइज इसको ऑफ कर दो, ठीक है। तो टैक्स के ऊपर रहेगा, अभी तो फिलहाल हम टैक्स नहीं लगा रहे, तो इसको मैंने ऑफ करके जस्ट ओके कर दिया, और वही है कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे तो एज इट इज वही चीज़ में ओपन होगा, ठीक है। तो फिलहाल ऑफ कर दो उसको, ओके, और यहाँ से इसको सेव कर दो, या फिर F2 करके इसको आप सेव कर लो, ठीक है। ये पूछ रहा है सेव दिस इन्फॉर्मेशन, यस वी वॉन्ट टू सेव, ओके डन। अब आप एग्जिट कर दो या बैक आ जाओ सेव करके, ठीक है। तो ये हमारा फीचर अभी ऑन हो चुका है, अब हमें क्या करना है, एंट्री करनी है। उसके लिए आप जाओगे ट्रांजेक्शन्स पे और सेल्स पर, तो यहाँ पे तीन है, तो आपने क्या करना है, ऐड करना। तो चलिए अब हम गेट वन बाय वन गेट वन फ्री का स्कीम यहाँ पे अप्लीकेबल करते हैं। आज डेट है 29/4/23, और पार्टी नेम इसको हम बेच रहे हैं, यहाँ पे विनीता को, ये हमारी परमानेंट कस्टमर है, इसको हम सेल कर रहे हैं। तो अब गोडाउन, किस गोडाउन से आपको सामान बेच रहे हैं, किस गोडाउन में है वो, तो सपोज वो द्वारका के अंदर है, ठीक है। नरेशन फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, क्या डाल दीजिए आप नरेशन, गुड्स सोल्ड बाय वन एंड गेट वन, ओके स्कीम, आइटम क्या आप सेल कर रहे हैं। चले तो हम देते हैं लैपटॉप, लैपटॉप के साथ कीबोर्ड फ्री दे देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लैपटॉप ले लिया, ओके, कैटेगरी का डालना है कुछ, तो प्राइस लिस्ट वाला, तो मैंने ए वाला रेस्ट डाल दिया। क्वांटिटी कितनी, फिलहाल वन हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक द आइटम लैपटॉप इज गोइंग नेगेटिव, ओके कोई बात नहीं, नेगेटिव में रहता है हमारे पास, तो अभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए आपके पास, आप ऐड कर लेना पहले अगर नहीं है तो, ठीक है, वन हो गया, ठीक है। अभी ये क्या होगा, हमने इसको ऑफ कर रखे कि आगे बढ़े ना, तो इस वजह से क्या हो रहा है, आगे इसको लेगा ही नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लैपटॉप पहले परचेज कर लेते हैं तो डैट हम उसको सेल कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, सेव कर लो, और हम आते हैं परचेज के अंदर, ऐड के अंदर, और डेट मान लो हमने 13/4 को परचेज किया है, और पार्टी किससे परचेज किया है, यशिका से परचेज किया है। आइटम क्या क्या परचेज किया है, एक तो हमने लैपटॉप परचेज किए हैं, 5 लैपटॉप, एक और जो रेट है वो 32,000, परचेज वाला रेट कम होगा, सेल रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, नहीं तो कंपनी घाटे में जाएगी। कीबोर्ड भी ले लीजिए, कीबोर्ड ये भी मैं 5 पीस ले रहा हूँ, इसका रेट है 250, एंड बस अब कुछ नहीं लेना है इसको, या एक चीज़ और लेते हैं, चलो ले रहे हैं तो ओप्पो का फ़ोन भी ले लिया, 1 5 पीस, और इसका रेट है 7,500, ठीक है। एंड सीधा F2 करो, F2 एंड यस, ठीक है, परचेज की एंट्री हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, स्कीम के तहत हमें सेल करना है, तो सेल पे जाएंगे, ऐड पे जाना है, मेन डेट ले लो आज, तो डेट हमें लेगी 29/4/23, पार्टी नेम है विनीता, नरेशन सेल गुड्स बाय वन गेट वन, नेम ऑफ आइटम हमने लैपटॉप सेल किया है, ए वाला रेट दे दिया, क्वांटिटी 1 पीस, स्टॉक द आइटम लैपटॉप इज गोइंग नेगेटिव, कैन नॉट कंटिन्यू नाउ, ओके। ये आपका हुआ क्या, द्वारका वाले में नेगेटिव है, ठीक है, तो मटेरियल सेंटर हमें चेंज करना पड़ेगा, मैं मेन स्टोर ले रहा हूँ, राइट, क्योंकि हमने वहाँ पे गोडाउन नहीं सेट किया था कि कौन से गोडाउन में, तो मेन बाय डिफॉल्ट मेन सेंटर में जाता सारी चीज़ें, ओके। तो यहाँ वन हो गया 35, साथ में क्या फ्री दे रहे हो आप, हम यहाँ फ्री दे रहे हैं कीबोर्ड, यहाँ पे लिख दो आप कीबोर्ड, और प्राइस लिस्ट फिलहाल कुछ नहीं डालना है, तो इसको क्या करना है, F2 यानी कि डन,
और क्वांटिटी एक हम फ्री दे रहे हैं। यहाँ अमाउंट आपको 0-0 रखना है, अमाउंट में वैल्यू नहीं डालनी, क्वांटिटी का आपको डिफाइन करना है बट प्राइस में कुछ नहीं डालना है आपने, ठीक है। एंड देन F2 और फिर यहाँ भी F2 और रेफरेंस नंबर हो जाएगा, ठीक है, F2 एंड देन सेव दिस स्टॉक। अभी से होगा क्या, हमारा कीबोर्ड में क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, सेल भी हो गया और हमारा वो चीज़ें मेंटेन भी हो, ठीक है। एंड देन यस करेंगे तो अभी प्रिंट के लिए मांग रहा है, प्रिंट करना, प्रिंट करना फिलहाल नो करना, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी अगर आपने स्कीम के तहत कोई गुड सेल करना है तो आपने ये ध्यान रखना है, पहले तो वो ऑप्शन ऑन करना है, उसके बाद आप जो भी गुड फ्री दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी डिफाइन करना है लेकिन उसका प्राइस आपको नहीं डालना है, ओके, ताकि ऑटोमेटिकली वो अमाउंट उसमें ऐड ना हो, राइट। तो इस तरीके से हमें फ्री क्वांटिटी वाला ऑप्शन जो है यूज़ करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चलिए।